हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव और आप देख रहे हो देवबाइन गुरु गेमिंग चैनल। साथ ही में आप लोग देख रहे हो माइनक्राफ्ट का नेक्स्ट वाला पार्ट, मतलब गाइस सर फिफ्थ वाला पार्ट। तो गाइस सर आज के इस वीडियो में भाई हम लोग है ना आयरन फार्म बनाने वाले हैं, और साथ ही में गाइस मैंने बहुत सारी चीज़ें न्यू करी है भाई, आपको सारी चीज़ें बतानी है। और गाइस पता है मैं ब्लेजर भी लेने गया था, मतलब एक ब्लेज में गया था, उधर ब्लेजर लेके आया, मैं उनको किडनैप करके लाया, जैसे किडनैप नहीं बोलेंगे यार, जैसे तैसे करके ले आया। लेकिन गाइस सर मैं क्या बताऊँ यार, मैंने रिकॉर्डिंग करी थी पर यार मेरा रिकॉर्डिंग भाई क्या बताऊँ मैं, मुझे ये पता ही नहीं चल पाया कि यार मेरा स्टोरेज भी फुल हो चुका और भाई घंटे रिकॉर्ड नहीं हुए। मेरा क्या बताऊं यार, इतनी ज्यादा मेहनत से मैं लेके आया यार, मतलब गाइस सर जिस बार मैं इनको लेके आता था ना, मतलब यार इनको भाई बोट में बिठा के लेके आता था, तो भाई यार कभी कभार इनको भाई मॉन्स्टर मार देते थे, नहीं तो भाई मेरे को क्रीपर आके फोड़ देते थे। पर जैसे तैसे करके भाई बहुत मशक्कत के बाद इन लोग को लेके आया हूँ। और गाइस सर अगली वाली वीडियो में आप लोग को भाई इनका ब्लेजर भी दिखाऊंगा, मतलब ब्लेज भी दिखाऊंगा, जाके दिखाऊंगा सारी चीज़ें भाई, ये सारी मतलब वीडियोस अपलोड करने के बाद इनको डिलीट करूंगा, उसके बाद स्टोरेज खाली होगी तो भाई आप लोग को सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। और गाइस अपने वर्ल्ड में मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे न्यू क्रिएट कर ली हैं। सबसे पहले भाई आप लोग को बता देता हूँ, ये वाला ज़ॉम्बी फार्म सामने आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग ने सिर्फ बीट फार्म देखा हो, लेकिन गाइस सर ये ज़ॉम्बी फार्म का भाई मैं क्या बताऊँ यार, मैं मतलब मेरा वीडियोस का क्या दिक्कत पड़ रहा है भाई, मैं आप लोग को बता नहीं सकता भाई, आप लोग मतलब यार मानोगे ही नहीं भाई क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो गाइस देखो सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे कबलस्टोन वगैरह कैसे आया, मैं वहाँ पे भाई डायमंड माइन कर रहा था ना, तो जब मेरे को सारी चीज़ें भाई मेरे पास कलेक्ट हो गई थी। और गाइस साथ ही भाई आप लोग को एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ भाई ये वाला जो ज़ॉम्बी फार्म है ना यार, इस वाले ज़ॉम्बी फार्म में भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी ये वाला ज़ॉम्बी फार्म। तो चलो गाइस आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से मैंने इस चीज़ को बनाया है। तो गाइस देखो सबसे पहले तो अंदर जाना पड़ेगा यार, अंदर ज़ॉम्बी ना हो नहीं तो पिटाई हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं नीचे चलते हैं। और गाइस देखो यहाँ पे भाई मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो चारों तरफ से मैंने 8-8 ब्लॉक तक का मतलब कि ऐसे गैप रखा है, ताकि गाइस यहाँ पे पानी डाले तो पानी जाके डायरेक्ट एंड कहाँ पे होता है, इस साइड पे एंड होता है। और गाइस यार यहाँ से डायरेक्ट पता है मतलब अपने ज़ॉम्बी जो है वो ज़ॉम्बी नीचे जाके गिर जाते हैं देखो यहाँ से, तो गाइस वहाँ पे जाके नीचे जाके मैंने ऊपर लगा दिया, और ऊपर से भाई क्या होता है उनका जो लूट वगैरह रहता है ना, सारी लूट भाई अपने पास आ जाती है, मतलब अपने चेस्ट में आ जाती है। तो चलो गाइस आप लोग को थोड़ा सा डेमो करके दिखाऊं क्या, यहाँ पे गाइस देखो ये ट्रैप डोर मैंने इसलिए लगाए हैं, यहाँ पे ट्रैप डोर भाई देखते हैं मतलब ज़ॉम्बी वाले लोग समझते हैं यहाँ पे ब्लॉक है, और गाइस इस तरीके से आते जाते हैं और भाई यहाँ से जाके टपक जाते हैं, और उनको इतना गंदा डैमेज पड़ता है ना यार, यहाँ से निकल लेते पहले नंबर तो। और गाइस उन लोग को इतना ज़्यादा गंदा डैमेज पड़ता है भाई, मैं एक ही शॉट में उन लोग को ख़त्म कर देता हूँ। तो गाइस इस तरीके से हमारा ये ज़ॉम्बी फार्म है वो काम करता है, मतलब गाइस इसके अंदर बिल्कुल अंधेरा रहता है और इस तरीके से जाते रहते हैं वो, और जैसे वो ब्लॉक टपका ना उस तरीके से टपक जाते हैं वो लोग, और उन लोग को मैं नीचे जाके मार देता हूँ, तो गाइस वो लोग स्पॉन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। और सारी जगह पे मैंने टॉर्च लगा दिए नीचे, ताकि गाइस यहाँ पे भाई मतलब कहीं ज़ॉम्बी स्पॉन ही ना हो पाए, यहीं पे होते हैं तो सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाए, नीचे जाके टपक जाते हैं और उन लोग को मैं मार देता हूँ, ईजी रहता है। तो यार ऊपर निकलना भाई, अरे यार मैंने साइड लगाना था, चलो ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ ऐसे फार्म करता है अपना काम। और साथ ही गाइस मैंने एक और चीज़ सीखी यार, यहाँ से नीचे कूदो और भाई अरे यार भाई सब पानी यार टाइम पे नहीं डालता, पता नहीं क्या होता है। तो गाइस सर इस तरीके से मतलब यार उधर से नीचे कूदते हैं ना तो पानी डाल के अपन लोग बच सकते हैं, और इसको MLG बोलते हैं। साथ में गाइस मैंने एक और चीज़ लगाई मेरे शॉट में, देखो यहाँ पे भाई मैंने इसको मारा, और गाइस यहाँ पे देखो मेरे को भाई पका हुआ खाना मिला, ये देखो पका हुआ कुक्ड भाई सब देख रहे हो, कुक्ड चिकन बोलते हैं ना इसको, हाँ ये मिला है। तो गाइस ये कैसे होता है, मतलब मैंने यहाँ पे भाई एंटेंटमेंट करना बताया था आप लोग को, पिछली बार मैंने एक किताब बनाई थी उससे अपन लोग कुछ जादुई चीज़ें बना सकते थे, और गाइस यार उसी से मैंने मतलब पता है मैंने अपनी शॉट में एक जादू लगा दिया, उसको अपन जादू बोलेंगे एंटेंटमेंट बोलेंगे। तो जो भी हो भाई मैंने लगा लिया जिससे फायर एस्पेक्ट मिला, और उससे भाई साहब मतलब जिसको भी मारते हैं वो जल जाता है। और गाइस यहाँ पे मेरे को अरे भाई पटेटो मिल गया ओपी, एक मिनट निकलते इसको, और भाई साहब पटेटो की खेती करेंगे अपन, चलो यार आलू मिल गया जल्दी चलो आलू की खेती करेंगे, उसके बाद खूब आलू बेचेंगे या खाएंगे, जो भी हो भाई अपन लोग करते हैं भाई, पहले नंबर तो आलू लगा देते हैं उसके बाद में कुछ देखेंगे भाई कहाँ गया आलू, ये रहा और इसको यहाँ रखते हैं, और भाई फटाक से लगा देते उसको अपने खेत में। गाइस पहला आलू आ चुका है फाइनली हमारे खेत के अंदर, वो भी ज़ॉम्बी देने आया था भाई, कसम से मजा आ गया। और गाइस अभी तो रुको यार भाई, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी हुई हैं भाई, कल संडे था ना इतना ज़्यादा गेम खेला है मैंने भाई, बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन गाइस यार बस दिक्कत यही है कि भाई रिकॉर्डिंग नहीं हुई यार, भाई क्या बताऊँ मैं यार, दिल से बुरा लगता है ना यार, इतनी मेहनत से सब कुछ करो और भाई कुछ रिकॉर्ड ना हो और भाई आप लोग को ना दिखा पाऊँ भाई, बहुत बुरा लगता है। तो गाइस देखो मैंने यहाँ पे भाई मैंने एक पिकेक्स बनाई है, जिसमें गाइस आप लोग को पता है डायमंड की पिकेक्स मैंने पहले ही बना ली थी, और गाइस अभी मैंने इस वाली पिकेक्स में भाई बहुत मस्त मस्त यहाँ पे एंचेंटमेंट कर ली है, मतलब गाइस यहाँ पे जादुई शक्तियाँ लगा ली हैं यार, जो भी आप लोग समझ सकते हो जो समझ लो। और गाइस ये वाली एंचेंटमेंट टेबल बनाने के लिए हम लोग को सिर्फ ऑब्सिडियन लगते हैं और डायमंड्स लगते हैं, तो डायमंड से भाई मैंने ले लिए थे। और गाइस यहाँ पे गाइस देखो मैंने भाई ना
डायमंड्स खर्च कर लिए थे और गाइस फिर से मैं माइन करने के लिए गया तो और थोड़े बहुत डायमंड मिल गए थे, 2-3 डायमंड। तो भाई वो सारे डायमंड मैं लेके आ गया था, तो यहाँ पे भाई अपने डायमंड बिल्कुल भरपूर है अपने पास अभी। और गाइस साथ ही गाइस देखो आप लोग को बता देता हूँ भाई मैंने कहाँ कहाँ माइन किया भाई, इतना गंदा भाई मतलब यार इतना ज़्यादा मैंने भाई माइन किया था भाई, क्या बताऊँ यार आप लोग भाई देख के भाई हैरान हो जाओगे। देखो आप लोग को बताता हूँ यार ऐसी माइनिंग मैंने अभी तक नहीं की होगी। और गाइस सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ ऑब्सिडियन गाइस देखो यहाँ से मैंने ऑब्सिडियन लिए थे यहाँ पे गाइस देखो यहाँ से मैंने ऑब्सिडियन लिए थे। और गाइस इन ऑब्सिडियन को पता है अपन लोग इस वाली एक्स से मतलब पिकेक्स से नहीं काट सकते हैं इसको भाई, अपन लोग सिर्फ तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं हाँ। तो गाइस इसको अपन सिर्फ तोड़ सकते हैं डायमंड की पिकेक्स से। तो गाइस अगर अपने पास डायमंड नहीं होते तो अपन लोग इसको नहीं तोड़ पाते और अपने पास वो जादुई टेबल नहीं आती जिसको एंचेंटमेंट टेबल बोलते हैं। और गाइस यहाँ पे देखो मैंने किस तरीके से माइन किया था, इतना केव और भाई ये सब माइन वाला तो मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत तो बता दिया होगा। तो गाइस देखो मैंने उसको अपग्रेड करके यहाँ पे गाइस देखो एक एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे भाई मैं माइन कर रहा था, पर गाइस सर मेरे दिमाग में आया कि भाई दो ब्लॉक छोड़ के करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, तो भाई कम भी माइन करना पड़ा। और भाई ये देखो इस तरीके से करते करते कितना लंबा लेके गया खींच दिया भाई मैंने, मतलब यार इतना लंबा भाई मैंने मतलब इधर पे माइन किया। उसके साथ में गाइस देखो इससे मेरे को इतना ज़्यादा कॉबलस्टोन भाई ये वाला पत्थर मिल गया था भाई, क्या बताऊँ एक मिनट भाई यार आयरन मिल गया भाई ओपी यार, मैंने पहले क्यों नहीं देखा इसको। तो चलो गाइस यार इसको अपन लोग देख लेते हैं भाई, कुछ भी नहीं अभी तो। और गाइस यहाँ पे देखो आप लोग को और बता देता हूँ, देखो इधर से भाई मैंने क्या किया था यहाँ पे आके मैंने एंड कर दिया था क्योंकि गाइस मेरे पास बहुत सारा ये वाला स्टोन हो चुका था, कोबल स्टोन हो चुका था, तो भाई मैंने मतलब यार ये माइन करना छोड़ दिया था यार। वैसे भी डायमंड मेरे को 4-5 तो मिले ही थे, तो गाइस यार भाई मैं परेशान होकर भाई छोड़ के चला गया था इधर से। और गाइस ये वाला भाई पहले नंबर इसको माइन कर लेते हैं। तो गाइस ये सब करने के बाद मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन गाइस एक चीज बची हुई थी जो कि गाइस अपने माइन शॉप में अपने को मिला था ना मकड़े का वो स्पोनर, तो वो मकड़े का स्पोनर से मैंने बना लिया एक्सपी फार्म वगैरह। और गाइस उससे बहुत सारी स्टिंग वगैरह मिल रही हैं, स्टिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं जो भी हो, उनसे भूल बना लेता हूँ भाई, उनसे कुछ बेड बन जाते हैं और भाई भूल से वैसे भी कुछ नहीं होता यार और कुछ तो। और गाइस यार देखो आप लोग को बता देता हूँ किस तरीके से मैंने कुछ भी मतलब बनाया है। तो भाई अपन लोग केब से बाहर तो आ चुके हैं फाइनली, तो गाइस यहाँ से अपन लोग चलते हैं और आप लोग को बताता हूँ मैं किस तरीके से मैंने मकड़े का यहाँ पे भाई फार्म वगैरह बनाया है और किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। तो गाइस मैंने आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ बता दिया है, वैसे भी मैं सोच तो रहा हूँ लेकिन गाइस चलो फिर भी आप लोग को बता देता हूँ। तो फटाफट से चलते अपन लोग अपने फार्म के पास में और गाइस आप लोग को बताते हैं। और गाइस पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने ये वाला भी फार्म देख लिया था भाई, हालांकि मेरे को पता है आप लोगों ने पक्का देख लिया। तो गाइस यहाँ पे भाई बहुत सारे स्पोनर है, 4 स्पोनर थे। तो गाइस यहाँ पे देखो इसका मैंने बनाने की कोशिश की लेकिन गाइस ये यार मैं बताऊँ यार मेरे से मतलब प्लेन वगैरह नहीं बना मेरा, अपने चंदन भाई भी आए हुए थे अपना मतलब प्लेन सक्सेस करने के लिए लेकिन गाइस दोनों की बस की नहीं रही तो हम लोग बना नहीं पाए वाला फार्म। तो गाइस वो बात छोड़ो, तो गाइस हम लोग ने क्या करा था सिर्फ यहाँ पे भाई सिंगल फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो जाके जैसे तैसे हम लोग ने ये वाला फार्म बनाया और एक फार्म इधर पे बनाया। तो गाइस यार इस वाले मकड़े को मारने के बाद मैं पीछे वाले का मारता हूँ और जब इस वाले मकड़े मतलब इस वाले फार्म के मकड़े खत्म हो जाते हैं तो इस साइड वाला मारता हूँ और भाई इस साइड वाले मकड़े खत्म हो जाते हैं तो पीछे वाला मार देता हूँ। मतलब गाइस इस तरीके से आते जाते हैं ये लोग और भाई इन लोग को हम पीटते जाते हैं जिससे हमको लेवल मिलती जाती है। और गाइस लेवल मिलती है तो आप लोग को पता ही होगा लेवल मिलने से हम लोग का भाई बहुत सारे यहाँ पे जादुई शक्तियाँ लगा सकते हैं। हमारे एंचेंटमेंट टेबल को सिर्फ अपने सिर्फ लेवल चाहिए रहती है और लैपिस चाहिए रहता है, वो नीचे नीचे कुछ मिलता है ना अपने को कुछ डायमंड्स के ब्लॉक्स की तरह दिखता है। और गाइस साथ ही भाई मैंने यहाँ पे एक फार्म और बनाया है, यहाँ पे गाइस देखो यहाँ पे 4 स्पोनर थे उसमें से भाई एक स्पोनर का फार्म यहाँ पे बनाया था और 2 स्पोनर के फार्म उधर बनाए आगे पीछे और एक स्पोनर को भाई मैंने पैक करके रख दिया भाई बस की नहीं रही भाई इतना स्पोनर बना बना के हैरान। तो गाइस यार वो वाला स्पोनर मैं बनाऊंगा तो भाई आप लोग को वीडियो बना के बिल्कुल बताऊंगा। और गाइस यार इनका भी वीडियो सबका रिकॉर्ड था पर गाइस पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या झंझट है भाई डिलीट वीडियो अपने आप कैसे हो गई यार, मतलब वीडियो कैसे मतलब यहाँ से बंद हो जाती है यार, बंद मतलब यार रिकॉर्डिंग होना ही बंद हो जाती है मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। तो गाइस यार ये मैंने कल ही किया है और मतलब यार ज़्यादातर मैं संडे था ना कल तो मैंने कल ही खेल लिया था बहुत सारा गेम और साथ ही भाई यार मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था सब कुछ मेरे को पता था भाई संडे को वीडियो डालना है। पर गाइस यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है वो इतना अच्छा है कि भाई क्या ही बताऊँ मैं, मतलब यार क्या बताऊँ मैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई सब पता है फिर भी अपने आप बंद हो जाता है रिकॉर्डिंग करना, बोलता है भाई इनसे पेशेंट ऐसा कुछ मतलब वो आता है स्टोरेज, मतलब गाइस एक ही मतलब रीज़न है कि अपने पास स्टोरेज नहीं है। तो भाई यार आप लोग को भाई मैंने बता दिया है सारी चीज़ें जो कुछ मैंने बनाया है। तो गाइस यार जो अपना जो स्पोनर था ना स्पोनर कौन सा यार हाँ मकड़े का स्पोनर है ना उस वाले स्पोनर का अपने को एक और मतलब बचा हुआ है उसका फार्म बनाना है तो उसकी वीडियो में आप लोग को बता दूंगा किस तरीके से मतलब बनाना रहता है, मैंने सब कुछ सीख लिया। और साथ ही गाइस अपने को बनाना था आज आयरन का फार्म लेकिन गाइस वो कैंसिल है क्योंकि भाई तुम्हारे भाई को इतने अच्छे से वो आयरन का फार्म बनाना नहीं आता है। और गाइस यार ये सब चीज़ें भाई मेरे को बतानी भी जरूरी थी, मतलब गाइस आप लोग बोलोगे कि भाई देव भाई सब कुछ कर लेते हो घंटा हमको कुछ नहीं बताते हो, तो भाई यार जैसे तैसे मैंने जो कुछ किया था आप लोग को सारी चीज़ें बता दी और भाई इस तरीके से मॉन्स्टर आते रहते हैं और ये मरते रहते हैं भाई मेरे हाथ से और मेरी लेवल बढ़ती रहती है।
तो गाइस सर आज की इस वीडियो में इतना ही सब कुछ है आप लोग को, भाई जितना सब कुछ था मैंने बता दिया है। और गाइस साथ ही भाई बहुत सारी चीज़ें मेरे को जितनी मिली सब चेस्ट में भरी हुई हैं। और गाइस सर जितनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है यार, और कबल स्टोन वगैरह भाई देख लेंगे अपन लोग क्या कुछ है उसका। और गाइस थोड़ा बहुत यहाँ पे एक मिनट भाई, अरे भाई साहब, अरे चचा जी के लड़के सो रहे हैं यहाँ पे, देखो तो सही कितने अच्छा देख रहा है भाई, देख रहे हो कितना अच्छा सो रहा है यहाँ पे बगल में। और गाइस यहाँ पे अपन लोग ने उसके साथ नींद कर लिया भाई, उठ गया। और भैया कैसे हो, बढ़िया। और यहाँ पे गाइस देखो, अरे भाई साहब ये निकल गए देखो काम के लिए अपने। और यहाँ पे देखो मेरी बिल्ली भाई, मैं बिल्ली भी लेके आया था, भूल कैसे गया, स्टैंड हो जा भाई, आ जा, ये बैठ जाती है पता नहीं क्यों बैठ जाती है। चलो गाइस यार मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बता दी है, तो गाइस यार मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी सभी गोया है। और गाइस यार नेक्स्ट वाली वीडियो अपन लोग शायद से नया घर बनाएंगे या फिर आयरन फार्म, जो भी बनाना हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। जिसका कमेंट अच्छा लगेगा उस कमेंट को यहाँ पे शाउट आउट दूंगा उसको भाई, उसके चैनल के नेम की, जिस बंदे ने मेरे को कमेंट किया है उसके नेम का यहाँ पे बोर्ड भी लगाऊंगा अपने घर पे। तो गाइस यार इतना सब कुछ करूंगा मैं, तो गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो का वेट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।